बेते ये हैं और ये कहते हैं कि है 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 ना स्तरवाद पे stratification जो है दो तरीके से करती है. पहली एक होती होती और दूसरी होती है dispersed. Cumulative inequality of stratification ये होता है कि जब थ्री टाइप्स के रिवॉर्ड्स जो है ओवरलैप करते हैं वो होता है इकोनॉमिक क्लास एंड स्टेटस एंड पावर पॉलिटिकल पावर पार्टी पावर ओके थ्री टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स ओवरलैप फर्स्ट वन इज़ क्लास इकोनॉमी क्लास सेकेंड वन इज स्टेटस एंड थर्ड वन इज़ पॉलिटिकल पावर वेन ऑल दीज थ्री ओवर लैप इट इज़ कॉल्ड क्यूमुलेटिव स्ट्रेटिफिकेशन इट मीन्स ओनली वन ग्रुप इन्जॉयज़ वेल्थ प्रेस्टीज एंड पावर एक ही ग्रुप है जो कि डोमिनेंट है जिसके पास वेल्थ भी है और प्रेस्टीज भी है और पावर भी है ठीक है लेकिन इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि दलित कास्ट होती है इनके पास ना ही क्लास है ना ही स्टेटस है ना ही पावर है ठीक है तो ये क्यूमुलेटिवली लोअर है ठीक है ऐसा ही ट्राइनेट्रियम मॉडल ऑफ मैक्स वेवर है इकोनॉमी स्टेटस पावर जो कि इनक्वालिटी की कॉजेज होता है तो ये तो हो गया पहला इनक्वालिटी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन का कारण दूसरा कहलाता है डिस्पर्सड डिस्पर्ज inequality ये क्या है कि एक के पास पावर है एक के पास प्रेस्टीज है और एक के पास है पैसा यानी कि वेल्थ इंडिया में राजपूत जो हैं राजपूत इनके पास है पावर लेकिन ब्राह्मण्स पंडित इनका स्टेटस हायर है तो यहाँ पे है डिस्पर्ज इनवालिटी और इस केस में है क्यूमलेटिव इनॉवालिटी ये दलित जो हैं क्यूमुलेटिवली लोअर हैं